Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Cassiferina, ringed by water a stone throw from his door, would be an eminently suitable spot for this experiment. Okay, one second, hold karo. ठीक है. सो इन इन द फर्स्ट पैराग्राफ बोले कि इन अर्ली इन न्यू ईयर, मतलब 1956 का बात चल रहा है, जो ऑथर है अपना, ही ट्रैवल टू इराक. ठीक है, इन इराक उसका मन भर गया था कि अभी उसको एक कुत्ता नहीं चाहिए, उसको एक ऑटर चाहिए. मतलब हम सर एक कुत्ता भी ले रखते हैं. पूछनी थी उनको. हाँ बोलना सर, वो नोट्स का पीडीएफ आपने कब भेजा था? मैंने चेक करता हूँ. परसों भेजा सर, सैटरडे को भेजा था आपने, लेक्चर के बाद ही. हाँ, सैटरडे का लेक्चर के बाद भेजा था. ओके सर. ना अभी जो ऑथर है उसको उसको एक बात पक्का हो गया कि अभी उसको एक कुत्ता नहीं चाहिए, उसको एक ऑटर. सर वो मेरा जो ना वो टाइम पे फोन रिसेट हो गया था पूरा उसी दिन. अरे पर हाँ, पर ठीक है, पर भी तू मेरे को कल मांगा तो मेरे को लगा कुछ तो लिखेगा तू, इवन खत्म नहीं हो. तू मेरे को बोला कि रीडिंग करने को भेजा, रीडिंग करने को क्यों भेजेगा तेरे को नोट्स के साथ? ठीक है, पूरा चैप्टर है ना पर नोट. हाँ, पर लास्ट में नोट सब चैप्टर एंड में. ठीक है, नो वरी, मैं कल भेज दूँ. ठीक है. नाउ वेदर राइटर वाज टेकिंग इन्वेस्टिंग एट कैमोस्फेरेना. कैमोस्फेरेना वाज अ प्लेस व्हिच रिंग्ड बाय वाटर और स्टोन थ्रो. मतलब जो कैमोस्फेरेना का जगह था उसके आजू बाजू सब पानी था. मतलब तू पत्थर भी फेंकेगा अपने रूम से तेरे को बाहर पानी मिलेगा. और जो ऑटर है, ऑटर में तुमने वो फोटो दिखा था, वो कहाँ पे रहता है? वो एक पानी पानी और नद, पानी और लैंड दोनों इसमें रहता है. तो ये जो जगह था that was a very good place to find an otter. इसीलिए जो राइटर था वहां पे गया to buy an otter. When I casually mentioned this to a friend, he as casual replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there were many as common as mosquitoes, as they were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to consulate general to collect and answer our mail from Europe. At the consulate general, we found my friend's mail and he had arrived but that mine had not. तो क्या हो गया कि जब वो रुका था ना वहां पे कैसेफरेना में, तभी उसको उसको दोस्त लोग ने जो उसने पूछा आजू बाजू के लोगों की, मेरे को एक ऑटर थे, तो वो लोग ने बोला कि टिग्रिस मार्शेस एक जगह है जहाँ पे ऐसे ऑटर मच्छर की तरह मिलते हैं. मतलब मच्छर कैसे झुंड में आते हैं ना वो लोग काटने के लिए, एक एक थोड़ी आता है, वैसा ये जो ऑटर रहता है वो भी झुंड में तेरे को उधर मिलेगा. और ये क्यों उतना फेमस है? क्योंकि जो अरब लोग है, दुबई के जो लोग है वो लोग ये ऑटर्स को टेम कर रहे, टेम मतलब ऐसे पेट खरीद के लेके आते. तो अगर तेरे को कोई चाहिए, अगर ऐसा ऑटर चाहिए, तेरे को टिग्रिस मार्शेस में मिल जाएगा. आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड, आई ट्राई टू टेलीफोन. द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस. ऑन द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे. ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन. माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई हैड अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम. 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड. तो उसने ना एक मैसेज पूछा था कि वो ले सकता है क्या, वो ऑर्डर खरीद सकता है. तो उसने अपने दोस्त को मेल भेजा, पर उसको मेल मिल नहीं रहा था. अभी वो जहाँ पे रह रहा था ना कैमोस्फेरेना में, वहाँ पे अगर जरा कॉल करने गए अपने दोस्त को इंग्लैंड को, मतलब समझ मैं इंडिया में और मेरे को इंग्लैंड में कॉल करने गए, तो मेरे को एक मतलब 24 घंटे पहला बोलना पड़ेगा. एक दिन पहला मेरे को बोलना पड़ेगा कि मेरे को कल कॉल करने गए, फिर मैं आगे कल कॉल कर सकता हूँ. तो उसने ये बोला, पर 5 दिन के बाद उसको अप्रूवल का लेटर मिल गया. I carried to my bedroom and read, and there squatting on the floor were 2 Arabs. Besides them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is an order. तो अभी जैसे वो रूम में पहुंचा ना, रूम में पहुंचा जैसे वो लेटर खोलने को गया, उसने लेटर खोलने के पहले उसके सामने देखा कि 2 अरब लोग ऐसा नीचे मांडी डाल के जमीन पे बैठे थे, और 2 अरब लोग के बाजू में एक सैक था, एक जूट का क्या बोलते अपन गोनी बैग था, और वो बार बार हिल रहा था. और जैसे जैसे उसने लेटर खोला, लेटर में लिखा था हियर इज योर ऑर्डर. मतलब उसके दोस्त ने उसको ऑर्डर गिफ्ट कर दिया. इधर तक सामने एवरीवन क्लियर है? इधर तक क्या? सेकंड पार्ट. व्हेन द ओपनिंग ऑफ द सैक बिगेन, अ फेज ऑफ माय लाइफ हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू. इन इफेक्ट अ थैल्ड्रम टू ऑर्डर्स एंड ऑर्डर फिक्सेशन दैट आई हैड सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल. तो उसने जब बोला कि वो जब गोनी खोल के वो ऑर्डर को निकाले थे बाहर, तब मेरे लाइफ का एक ऐसा फेज चल रहा, एक ऐसा नया फेज चल रहा जो अभी तक खत्म नहीं हुआ. और मेरा जो फिक्सेशन था, मेरा जो लाइकिंग था ऑर्डर के साथ,
वो मुझे रियली अभी हम लोग देखा कुत्ते को देखा ऐसा बोलते कितना क्यूट कुत्ता है, जब तक वो काटेगा नहीं अपने को तब तक लगा क्यूट कितना क्यूट कुत्ता है। तो ऐसा ही ऐसा ऑर्डर में बोले कि इतना मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरा ऑलमोस्ट होने के लिए आ गया था। The creature that emerged from this sack on the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon from head to tip of the tail. तो जो creature जो निकला ना sack के बाहर वो एक छोटा otter था। तो छोटा otter किसकी तरह दिख रहा था poet को author को वो एक छोटा dragon की तरह उसको दिख रहा था। उसके उसके सर से पहले वो ऐसा छोटा dragon तरह दिख रहा था। He was coated with symmetrical pointed scales. He was coated with symmetrical pointed scales of mud armor, between whose tips was visible and soft velvet fur like of chocolate brown wool. तो उसका कलर क्या था? चॉकलेट ब्राउन कलर का होता और उसका उसका जो पैर और हाथ था एकदम ड्रैगन जैसा था, ड्रैगन का स्केल रहता ना वैसा उसका हाथ था। He shook himself and I half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I had managed to remove the last of mud and see the otter as if it was true colors. तो अभी जो ऑल्टर है ऑब्वियसली वो कहाँ पे रहता है? मिट्टी मतलब पानी और जमीन में। तो ऑब्वियसली पानी से अगर जमीन में आएगा गंदा होएगा ही ना, वो ऑब्वियसली गंदा होएगा। तो व्हाट हैपेंड, तो दिस जो ऑल्टर ने खरीदा था ना उसने बोला कि उसको एक महीना लगा उसको साफ करने में। जब एक महीने के बाद वो पूरा मिट्टी वो ऑल्टर से निकला, एक महीने तक वो साफ कर रहा था, रोज मिट्टी निकल ही रहा था। तो उसको एक महीना लगा वो पूरा मिट्टी उससे साफ करने को। इधर तक समझे एवरीवन? क्लियर इधर तक? Midgebill, as I call the otter, मतलब उसका नाम क्या रखा उसने? Midgebill, otter का नाम क्या रखा? Midgebill, as I call the otter, in fact of a race previously unknown to scientists and was at length christened to zoologist Lutogis Pacifilata Maxwelli or Maxwell's otter. तो एक ऐसा नाम है उसका Lutogen Pacifilata, उसका एकदम बड़ा नाम है, but उसका जो scientist है Maxwell, तो उसको बोलते हैं Maxwell otter, उस species को। For the first 24 hours, Midgebill was neither hostile nor friendly. मतलब जो पहला जो जब वो आया ना वो ऑटर उसके पास, तो पहला 24 घंटे के लिए जो ऑटर था वो उसका दोस्त भी नहीं था, उसका दुश्मन भी नहीं था। मतलब ऑटर से आजू बाजू देख रहा था कि किधर मेरे को आगे छोड़ के गए, क्या हो रहा है मेरे साथ, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ। दैट वॉज द फर्स्ट 24 आवर्स। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far away as from my bed as possible. मतलब जो पहला दिन था वो एकदम अलूफ, मतलब उसको मालूम नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि ये जगह उसके लिए नया नहीं, नहीं उसके पास पानी है, नहीं उसका रहने के लिए लैंड है, वो एक फ्लैट में रह रहा है। तो उसके लिए एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। और वो जो पहला रात था जो ऑटर था वो जो ऑटर था वो जो ऑथर है अपना उसके बेड से एकदम दूर जाके सोया। तो दैट वॉज द फर्स्ट डे। ऑन द सेकेंड नाइट Midgebill came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day, he began to lose apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings. So, second day तक क्या आ गया? Second day तक वो जो जो author था Midgebill, वो जो नीचे सोया था, दूसरे दिन पे वो सीधा बेड पे आके वो जो author है उसके बाजू में ही सोने लगा। ठीक है, और अभी सेकेंड डे से ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था, वो देख रहा था आजू बाजू घूम के देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या है मेरे आजू बाजू, तो पूरा फ्रेंडली ले रहा था। And किधर गया? I made a body belt for him and took him on a lead. एक से ऑटर ऑटर देखा नहीं क्या? ये देख ऐसा देखो फोटो दिख रहा, देखो फोटो, this is called as an otter, ऐसा। तो ये जो रहता है ये पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है ऐसा। तो that's why it's otter. It's a very एकदम cute लिखता है। हम लोग ऐसा रख सकते हैं, मतलब you can keep it as a pet, पर उसके लिए तुम लोग को special permission लगता है अगर तुम लोग उसको पेट रखते हो। और उसको ऐसा मिलता नहीं है, कल्याण में तो मिलेगा ही नहीं, पर इफ यू वांट टू कीप अ पेट ऐसा। मैं जब दुबई में गया था तभी वो लोग ने दिखाया था मेरे को, तो बहुत अच्छा दिखते थे। ठीक है, कहाँ पे गया? आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद द जॉय इन वाटर प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट। तो जब जब उसका नहाने का टाइम पे तभी जो ऑथर था उसको कहाँ पे लेके गया? बाथरूम में। बाथरूम में उसने क्या देखा? पानी देखा। अभी उसको पानी उसको रह रहा ही तो मतलब जी रहा ही था वो पानी में, तो पानी देख के इतना खुश होगा कि आधा घंटे तक वो पानी में ही खेल रहा था। ठीक है, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड मेकिंग इन अ स्प्लैश एंड स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। मतलब इतना आवाज कर रहा था ऐसा लग रहा था कि हिप्पो पोटामस पानी में खेल रहा है। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। Every drop of water must be, so to speak, extended and spread up to a place. A bowl must at once be overturned, or if it is not to be overturned, be sat in or splashed in until it overflows.
वॉटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग. तो ये एक ऑथर ने बात सिखाई मिजबिल से कि जो पानी रहता है वो कभी स्टिल नहीं रहना चाहिए, वो हमेशा या तो होगा तेरे हाथ में पानी या तो पी ले या तो फेंक दे, पर उसको वापस मत रखे. ऑथर ने मिजबिल को देख के समझा, क्योंकि मिजबिल जैसे पानी में घुसता था उस जो भी पानी बाटम में था सब पानी बाहर निकलता था. अगर ऑथर और पानी डालता था वो वापिस हाथ मार मार के वो पानी को बाहर निकलता था. उसने बोला कि जो पानी है उसमें हमेशा खेलना चाहिए और उसको स्टैगनेंट रखना चाहिए. ऑथर ने उसको सिखाया. ठीक है. टू डेज लेटर मिजबिल एस्केप फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corners that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the taps with his paws. I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. So, ek din kya ho gaya, jab water so raha tha na, jo Mitchell le water, wo chupchap, jab water so raha tha, bed se utar ke bathroom ke andar chala gaya. Aur ye author ne dekha, to author aisa jab jhaak ke dekha, usne dekha jo water hai, वो अपने हाथ से नल घुमाने का कोशिश कर रहा था. अभी उसके पास फिंगर्स है क्या, ऑटर के पास फिंगर रहते क्या? नहीं. तो जितना घुमा घुमा के उसने थोड़ा घुमा के एकदम एक चिंटू सा पानी का एक निकल रहा था. पर जो ऑथर था एकदम अमेज हो गया था, मतलब ये एनिमल ने मेरे को रोज देख के ये सब करते करते और अभी ये खुद सीख रहा है. तो इज अ वेरी स्मार्ट एनिमल. ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे. ऑन द लेटर ओकेजंस ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप एंड स्टिल टाइट Chittering with irritation and disappointment and the taps failure to cooperate. तो ये जब author ने देखा ना, अभी author नल चालू नहीं करता था, वो मिजबिल के लिए रुकता था कि वो जाके नल चालू करेगा. पर कभी कोई कोई दिन पे वो ऐसा सही सही साइड में घुमा के वो पानी पानी फ्लो होता था, पर कभी कभी उल्टा साइड घुमाता था और जो नल था और टाइट होता था, तो उसके वजह से उसको गुस्सा आता था. वेरी सून मिज मतलब मिजबिल का पेट नेम मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड वुड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball around the room like a four-footed soccer player, using all four feet to dribble the ball. And he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and a distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. So, jo otter tha Mitchell, uska pet name Midge hai, wo usko khelne ko bahut acha lagta tha. Agar tum log ne dekha rahega ki wo log jo otter rehte hain, वो लोग बॉल को वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, अपना पीक रहता है ना उससे वो फुटबॉल को मारते. और इसका एक और था कि सो के ना जैसा पीठ पे सोता था और अपने हाथ से बॉल को जगल करता था. दैट वाज वन थिंग विच वुड से. अगर तुम लोग ने मैडागास्कर देखा है जो लास्ट पार्ट है उसमें एक ऑटर है. ठीक है. मार्बल्स वर मिजबिल्स मिजिस फेवरेट टॉयज फॉर पाशा. तो गोटी रहता ना, गोटी अपन कच्चा खेलते तुम लोग नॉर्मली तुम लोग खेला रहेगा, वो जो रहता दैट वाज जो मिजबिल का फेवरेट पास्ट टाइम टॉय था. ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर. सो दिस वाज हाउ मिजबिल यूज्ड टू पास हिज डे. इधर तक समझा एवरीवन? एनी डाउट्स ओवर हियर? ठीक है. सो लेट टेल मी द आंसर. ओके. व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमस मुरैना वुड बी सुटेबल फॉर? कैमस मुरैना में वो क्यों गया था? उसको एक ऑटर खरीदने का था. जो तुम्हें देखो फोटो दिखा, उसको एक कुत्ता नहीं चाहता, उसको एक ऑटर चाहता. वहां पे उसको उसको बोला कि तेरे को यहाँ पे बहुत सारे ऑटर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटर तेरे को मच्छर की तरह मिलेंगे. मतलब मच्छर कितने ज्यादा कॉमन रहते हैं वहां पे, ऐसा ऑटर भी कॉमन होते हैं. तो वहां पे उसने उसको उसने उसके दोस्त उसने अपने एक दोस्त को बोला, उसके दोस्त ने उसके लिए एक ऑटर खरीद के दे दिया. अभी जब उसने ऑटर खरीदा तभी उसने उस ऑटर का नाम रखा मिजबिल. ठीक है. अभी वो जो ऑटर था वो चॉकलेट ब्राउन कलर का था, और जो पहला दिन था जब ऑटर रह रहा था उसके साथ में ऑटर के साथ में, तभी जो मिजबिल था एकदम डरा डरा सा था, तो वो ज्यादा करता नहीं था, एकदम डर 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 के रहता था. सेकेंड डे जो था वो कंफर्टेबल हो गया. सेकेंड डे पे अभी ऑथर के साथ उसके बेड पे सो रहा था, और फिर ऑथर उसको अभी उसको जब साफ करने को लगा, अभी जो ऑथर रहता है वो मिट्टी में रहता है बराबर, तो मिट्टी में रहने का वजह से पूरा एकदम मिट्टी में भरा हुआ था. तो जो ऑथर है उसको 30 दिन लगा वो मिट्टी उसके ऊपर से साफ करने. ठीक है. और उसके बाद तो तूने देख लिया, उसके बाद यू हुआ. ठीक है. नाउ लेट्स सी What was the experiment तुम लोग ने बोला to buy the otter? Why does he go to Basra? How long does he wait there and why? Basra क्यों कहता है? वहाँ पे उसको friend को call करने का. बराबर, absolutely करे. ठीक है.
हाउ डज ही गेट द ऑर्डर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड्स एंड टेल यू, उसको क्या, उसको ऑर्डर कैसा मिलता है, कौन लाके देता है उसको, उसके फ्रेंड लाके देता है उसको, मतलब गिफ्ट देता है उसको, अरे दो अरेबिक पीपल आते, बराबर बराबर दो अरेबिक पीपल आते और वो लोग उसके रूम के सामने नीचे मांडी डाल के बैठे हुए रहते हैं और जो ऑटर रहता है बाजू में कोनी बैग में भरा हुआ रहता है। ये मैं तुम लोग क्यों बोला, इधर दिखा देख, पिक आउट दी वर्ड्स, तुम लोग को वो एग्जैक्ट वर्ड्स दिखने का, ठीक है, दोनों लटक गया क्या ध्रुव, तुम लोग आवाज आ रही है, अभी हेलो, नहीं नहीं रियल स्टोरी नहीं है सर, हाँ मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को, हेलो हेलो, यस सर, ठीक है, ठीक है, नाउ व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर, उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों, हाँ जगह रियल, हेलो, हाँ ध्रुव, हाँ ध्रुव बोल, सबकी आवाज अटक रही है, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, आ रहा है आवाज, मेरे को आ रहा है, अभी आ रहा है तुम लोग को आवाज, यस सर, हेलो, हाँ हाँ, तो उसने उसने अपने ऑटर का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा, क्योंकि वो उसका साइंटिस्ट था मैक्सवेल, साइंटिस्ट साइंटिस्ट था मैक्सवेल, साइंटिस्ट था, ओके, टेक द राइट आंसर इन द बिगनिंग, इन द जो पहला दिन था वो पहला दिन था जो ऑटर के साथ था, अलूफ एंड इंडिफरेंट था, फ्रेंडली था कि हॉस्टाइल था, अलूफ, अलूफ एंड इंडिफरेंट था, अलूफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब, हॉस्टाइल मतलब किसी को मार देगा वो एकदम ऐसा, मैं वही सोच रहा था, व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम, व्हाट डिड ही डू टू डेज आफ्टर दैट, पहले उसने उसमें बहुत ज्यादा खेला, फिर बाद में उसको पता चला कि पानी का ये महत्व, बराबर, और दूसरे दिन उसको मतलब दो दिन बाद वो जो नल था वो नल ऑटोमेटिकली खोलने लगा, ठीक है, एक सेकंड, विल स्टार्ट विद द, इधर गया, फर्स्ट ये था, ठीक है, थर्ड थर्ड था, ठीक है, द डेज, इधर तक समझाना, एवरीवन अंडरस्टूड इट ना, हाँ सर, एक सेकंड रुका, एक सेकंड में, The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Mitch to England and to Camus. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made and an hour before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left in for a hurried meal. So, the din jaate gaye, jaate gaye, abhi jo author hai, jo iska naam, jo Glenn hai, jo author hai, wo darne laga, theek hai? Abhi wo darne ke liye, kyunki obviously wo Basra mein reh raha tha, kya nahi, wo sirf kaam ke liye gaya tha. Wo reh raha kahan tha? England mein, theek hai? England mein reh raha tha. Abhi usko, abhi wo Mitch ko usko obviously England mein leke aana padega, theek hai? तो जो डायरेक्ट फ्लाइट था फ्रॉम बसरा टू इंग्लैंड वो लोग ने बोला कि कोई एनिमल्स अलाउ नहीं करते, सो इट वाज नॉट पॉसिबल, तो उसको कनेक्टिंग फ्लाइट लेना पड़ा, ही वेंट फ्रॉम बसरा टू पेरिस एंड पेरिस टू लंडन, ठीक है, पर वो एयरलाइन में एक शर्त था कि तू जो भी एनिमल लेकर आ रहा है ना, तेरे को उसको एक 18 इंच के बॉक्स के अंदर लेके आना पड़ेगा, तो जो ऑथर है उसने मिजबिल के लिए एक 18 इंच का बस बड़ा बॉक्स बनाया और जाने के एक घंटे पहले ना उसने मिजबिल को बॉक्स में डाल दिया, क्यों, ताकि उसको आदत हो जाए कि बॉक्स में था, अचानक से किसमें डाल रहे, इसीलिए उसने उसको बॉक्स में डाल के उसने अपने रूम में रख दिया और फटफट से वो एक मतलब फ्लाइट पकड़ने के पहले वो खाना खाने के लिए होटल के लॉबी में चला गया, ठीक है,
जैसे वो आया, when I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but from its air hole and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid, and Mitch, exhausted and blood spattered, whimpered and caught my leg. He had torn the lining of the box to shreds. When I removed the last of it, and there was no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Mitch into the box, holding down the lid with my hand. तो जैसे ऑफिस आया ना, उसने देखा बॉक्स में एक तो कुछ आवाज नहीं, और जैसे पास में का जो बॉक्स का जो लिड है ना ऊपर का, वो पूरा खून खून सा था, मतलब पूरा खून था उसपे. तो जैसा इसने बॉक्स खोल के देखा, पूरा जो बॉक्स था वो खाली था, पर बहुत ज्यादा खून था. उसने आजू बाजू देखा तो जो मिजविल था वो आके और जो ऑथर के पैर को पकड़ने लगा. उसने देखा कि जो मिजविल का मिजविल ने जो बॉक्स था पूरा, मतलब उसके हाथ से फाड़ दिया पूरा ऊपर का बॉक्स, और उसकी वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था. पर अभी अभी सिर्फ 10 मिनट बाकी उसके फ्लाइट के लिए, और जो कैसा भी जाने का था, तो उसने क्या कर दिया, जो मिजविल है उसको वापिस बॉक्स में डाल दिया, और जो कवर है उसका उसने अपने हाथ से नीचे दबाया था, और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया. ठीक है. I sat in the back of the car with the box besides me as the driver tore the streets of Basra like a ricochet bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for me to keep in a cool place. So, जैसे पर्ट से निकला 10 मिनट में, जब तक एयरपोर्ट पहुंचा तो जो प्लेन था वो इसके लिए रुका ही था, तो जो भी लोग थे सब गुस्से थे इससे, पर लकीली इसका जो सीट था वो सबसे आगे था, तो सबसे टॉप पे था, तो उसको मालूम है कि अगर मिजविल कुछ आवाज करे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा. तो उसने क्या किया, जो नीचे था ना मिजविल, जो उसका जहाँ पे बैठा था वहां पे मिजविल को रखने के पहले उसने न्यूज पेपर डाल दिया था कि जो भी गंदगी होगा प्लेन पे नहीं आएगा, और एयर हॉस्टेस को उसने मच्छी दे दिया. मच्छी क्यों दिया, क्योंकि जो ऑटर है वो सिर्फ और सिर्फ मच्छी खाते और कुछ नहीं खाते. ठीक है ना, तुम लोग मेरे को, अगर तुम लोग प्लेन में आने का, तुम लोग मच्छी लेके जा सकते क्या प्लेन में, कभी भी नहीं, इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ ट्रू स्टोरी. तो इसने मच्छी दी एयर हॉस्टेस को, और वो प्लेन में बैठ गया. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for air hostess. She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But not knowing otters, I was quite unprepared for what flew. The air hostess thi, wo bahut achhi thi. मतलब इवन जो उसने एक ऑटर को प्लेन में बिठाया था, उसने कुछ ज्यादा वो एकदम अच्छी थी. वो बोली कि नो वरीज, ये ऑटर को हम लोग ध्यान रखें, जब तक प्लेन ने वापस नीचे नहीं आएगा वी विल टेक केयर ऑफ द ऑटर. तो जो राइटर था वो बहुत खुश हो गया. ठीक है, पंजाबी भी है इसमें. मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश. जैसे प्लेन उड़ गया, जो मिजविल था वो बॉक्स को तोड़ के बाहर निकल गया. ही डिसअपीयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on a seat, screaming out, "A rat, a rat." I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turban Indian. Diving for it, I missed but found my face covered in curry. Firab said the air hostess with the most charming smile, "It would be better if you resumed to your seat and I will find the animal and bring it to you." I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when I suddenly heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. And Mitch bounded on to my knee and began to nuzzle my face and neck. तो क्या हो गया? अभी जो Mitch था, जो Mitchville था, उसने box छोड़ के बाहर निकल गया और पूरे एरोप्लेन में घूम रहा था. और जो भी लोग Mitchville को देख रहे थे, चिल्ला रहे थे चूहा चूहा, they were calling it a rat. इतना छोटा था चूहे, तो चूहा चूहा चिल्ला के लोग डर गए. तो वो लोग इधर उधर भाग रहे थे. तो जब ये ऑटर पकड़ने, जो ऑथर है वो पकड़ने को क्या है ना, वो किधर गिर गया, ये जो अपना जो लिखा है ना अपना पंजा, उसको क्या लिखे, अ पोर्टली वाइट टर्मेंट. पोर्टली मतलब इसका पेड़ बाहर हो, पोर्टली उसको बोलते, वाइट टर्म मतलब टर्मेंट पहन के एक आदमी बैठा था, उसके वहां पे गिर गया. तो जो ऑथर था वो तो पकड़ नहीं सका. तो जो एयर हॉस्टेस थी वो ऑथर के पास आ गई, उसको बोली कि आप जगह पे बैठ जाओ, मैं मिजविल को वापस लेके आएगी. एंड जैसे ही ऑथर अपने सीट पे बैठ गया ना, 5 मिनट बाद उसने देखा कि मिजविल है, वो एयर हॉस्टेस के साथ आया और ऑथर के जाके मांडी पे बैठ गया. इधर तक समझे एवरीवन? ठीक है. हाउ वाज मिच ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? इन अ बॉक्स.
18 inches long. 18 inches. Okay. What did Mitch do to the box? उसने फाड़ के निकल गया फिर से उसका ऊपर का तोड़ दिया. Very good. Okay. Why did Maxwell put the otter back in the box? How do you think he felt when he did this? So उसे बहुत बुरा लगा. So बुरा लगा. पर 10 मिनट तक जाने को इसलिए. बराबर सिर्फ 10 मिनट तक जाने को इसलिए. Okay. Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? उसको air hostess को इतना praise क्यों कर रहा था वो? क्यों? ताकि वो otter को रखे मतलब ये. ताकि वो क्योंकि 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 वो अच्छे तरह से ख्याल रख रही थी. बराबर बराबर. ओके व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपनड? सो वो ऑटर बाहर निकल गया और पूरे एयरप्लेन निकल गया. बराबर उसको बाहर निकल गया. बराबर. ओके द फोर्थ एंड एंड आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही वाज अ ही हैज अ फ्लैट. अभी ये लोग प्लेन से निकल गए और ये लोग अभी लंदन पहुंच गए. ठीक है उसके बाद में ठीक है. Midge and I remained in London for really a month. He would play for hours with a skeleton with a selection of toys. Ping pong balls, marbles, rubber fruit and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. So, when he reached London, when he reached London, he was uncomfortable. Comfortable was in London. And he played with different things. With a ping pong ball, he invented a game of his own, which he would keep in engrossed for half an hour at a time. तो उसने अपना ही गेम उसने इन्वेंट कर दिया जो पूरा दिन वही खेलते बैठता था. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. So that lid went closed, remained at a slope at one end and the otter may discover it and to place the ball on the high and it would end up running down the length of the suitcase. He would dash around it at the other end to ambush it arrival. Hide from it, crouching to spring it up and take it by surprise. Grab it, trot off with the high end once more. तो ये जो otter है वो क्या करता था अभी समझ ये एक ऐसा स्लोप रखता था और यहाँ से जो बॉल है इधर से छोड़ देता था तो बॉल नीचे आता था और नीचे आने के पहले ये बॉल को इधर से लात मार देता था. तो ये पूरा दिन यही खेलता था. उसको क्या मालूम क्या मजा आता था पर पूरा दिन वो यही खेलता था. आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लेड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग. तो घर के बाद ना उसको वो पट्टा पहन के जैसे कुत्ते को ले घूमते वैसे ही ऑर्डर को लेके घूमता था. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks on the London street, like the rituals of children who on the way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block. तुम लोग याद है जो block जो tile रहता था देख ना हम लोग बोलते थे हम लोग को एक अगर हम लोग एक ही tile में चले गए वो ही करता था. That is what he used to do. किधर गया? Must touch every seventh upright railing or pass on the outside of every second lamp post. Opposite to my flat was a single storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home but never on his way out, Mitch would tug me to the wall, jump on it, gallop on the full length of his 30 yards to the hopeless distraction both of pupils and off staff within. तो जो मिच था वो बार बार वो वॉल है उसके उसके घर के ऑपोजिट एक वॉल था जब भी बाहर जाता था वो वॉल के ऊपर कूदता था और उधर 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 घूमता था. ठीक है. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should recognize an otter. But the variety of guesses as to what of animal this might become has a surprise to me. Otters belong to a comparatively small group of animals called muscillines, shared by a badger, mongoose, weasel, sloth, mink, and others. I faced a continuous barrage of questions and spread all over the muscleless body otter. तो जब अभी otter लंदन में ऐसा otter देखना कॉमन है क्या? नहीं. ओके इट वाज अ रेयर साइट. तो लोग बार बार जो क्वेश्चन पूछते थे क्या चीज है, इज इट अ बेबी सील, सील है क्या, छोटा सील है, ये स्क्विरल है क्या, वॉलरस है क्या, ये कुछ लोग पूछते थे ये एक बड़ा कुत्ता है क्या, हिप्पोपोटामस है क्या, ऐसा बहुत लोग इसको पूछते थे. ठीक है. बट द क्वेश्चन फॉर विच But the question for which I had awarded the highest score came from a laborer digging in the hole next. तो एक question था जो एकदम जो मतलब एकदम rare था लग एकदम मतलब जिसने उसको पूछा ना एकदम हंसने लगा. उसने पूछा I was sir वो दोनों पैरों में खड़ा रहता था. हाँ दोनों पैरों में खड़ा रहता था. ठीक है. I was still firm from him when he laid down his tool but put a hand up on his hips and began to stare. As I draw nearer, I saw the expression of surprise and affront. As though he would have me to know what was not upon to play jokes. I came abreast of him, his pad glared and then growled. Here, mister,
वॉट इज दैट सपोज टू बी, मतलब वो पूछा था कि क्या एलियन है क्या, कि ये तो इससे लेके आ रहे हैं, मतलब दोस्तों घर पे बना है कि क्या होता है. तो दैट दैट वाज व्हाट व्हाट मिज वाज सपोज टू बी. ओके, व्हाट व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, कौन सा गेम था वो स्लोप से बॉल नीचे गया ना, फिर उसको पास करना. बराबर बराबर. व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर बिलोंग टू, इधर दिया देख, ऑटर बिलोंग टू स्लो स्लो टिंग एक्सेट्रा. मस्टले मतलब कैसा बोल सकते हैं, ऐसा रैट का जो रहता है ना, रैट के बर्ड. समझ गया सर. व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट बिल, ये रही देख इधर, स्टोर्ट मिंक, मिंक करके रहता, लेट लेट मी शो यू. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट गैसेस डिड लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिज वाज, को क्या क्या बोला, क्या क्या चीज है वो, सील, छोटा सील है, हिप्पो है, छोटा सील है, हिप्पो है, बड़ा छोटा है. बराबर बराबर. Okay, so we are done with this chapter. So we come.